हेलो स्विमर्स, देखिए एक कमेंट आया था कि सर हम जब फ्लोट करते हैं तो आगे ही नहीं बढ़ पाते, मतलब फ्लोटिंग जैसे मैंने बताया था ना, फ्लोटिंग करते हुए आगे बढ़ना है इस तरह, ये सिर्फ किक करते हुए आगे बढ़ना है जो मैंने आप लोग को बताया था। तो उस पर कमेंट था कि वो किक करते हैं और आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। तो उसका रीज़न देखिए वो क्या होता है कि लेग की पोजिशन, हमेशा आप ये मान के चलिए कि आपकी बॉडी में आपका जो मेन इंजन है वो आपका पैर है। अगर वही नहीं सही से वर्क करेगा तो बॉडी स्टार्ट ही नहीं होगी, मतलब बॉडी आगे के लिए मूव ही नहीं करेगी स्विमिंग में। तो जो बैक की किक होती है ना, वो लोग जब बैक स्ट्रोक किक करते हैं तो बहुत लोग इस तरह करते हैं, ये मतलब अपने पंजे को ये देख रहे होंगे 90 डिग्री की एंगल पर इस तरह चलाते हैं, और चाहे जितनी ये तेज चला लें, चाहे जितना उनको लगेगा कि हम तो पावर लगा रहे हैं, काफ़ी पावर लगा रहे हैं, लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट होता है स्विमिंग में आगे बढ़ने का कि पानी को पीछे ढकेलना है। पानी को पीछे ढकेलेंगे, पानी आपको आगे की ओर भेजेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ एकदम सिंपल होता है, लेकिन इधर अभी लॉ वगैरह पे नहीं जाते हैं, बस इतना समझते हैं कि जो लेग की पोजीशन होनी चाहिए वो इस तरह ना हो के इस तरह होनी चाहिए, पॉइंटेड होनी चाहिए पीछे की ओर। और जब इससे पानी को आप पीछे फेंकेंगे, देन ये देख रहे हैं ना जो प्रेशर ऊपर आ रहा है, ये प्रेशर आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो इसको एकदम सिंपली आपको इस तरह वॉल पकड़ लेना है जिस तरह मैंने पकड़ा है, एंड अपने किक को पहले समझना है कि किक किस तरह चलती है। ये बैक स्ट्रोक में भी आपको हेल्प करेगा और यही चीज़ फ्लोटिंग में भी आपको हेल्प करेगा। बहुत लोग गड़बड़ क्या करेंगे, वो लोग इस तरह करेंगे, ये ऐसे लाके और ऐसे ऐसे करेंगे ये, और सोचेंगे कि देखो हम तो बहुत तेज किक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, अगर कोई एकदम सही टेक्निक के साथ इस तरह भी किक करेगा ना, तो वो इस वाली किक से लाख गुना बेटर होगा और वो बहुत आराम से फ्लोट कर पाएगा। अब चलिए मैं इसको करके ही दिखा दे रहा हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो किक है, गलत वाली किक, मैं बढ़ूंगा ही नहीं, बढ़ूंगा भी तो बहुत कम स्पीड से बढ़ूंगा, और जब मैं एकदम नॉर्मली किक करूंगा तब देखिएगा मेरी बॉडी किस तरह फ्लोट होती है। और फ्लोटिंग में एक चीज़ और हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप फ्लोट कर रहे हो तो जो ये बेली बटन होती है ना आपकी, ये जो बेली बटन होती है, इसको हमेशा ट्राई करना कि ऊपर आ जाए, हमेशा ट्राई करना है ऊपर आ जाए, ज़बरदस्ती का ऊपर नहीं जाना है। मतलब जब आप इस तरह देख रहे हो तो ट्राई करना है कि जो बेली है वो ऊपर आ जाए फ्लोट करते करते, देन जब आप किक करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी फ्लोटिंग भी होगी और किकिंग भी होगी। तो देखिए गलत वाला जो होता है ये होता है, देखिए मैं किक कर रहा हूँ तो बॉडी आगे ही नहीं बढ़ रही, ठीक, बहुत धीमे धीमे बढ़ रही है। और ये बहुत ये करते हैं, ये इतना पावर लगाते बॉडी बहुत ही धीमे धीमे बढ़ रही होगी आगे। आप ये ब्लैक वाले मार्क से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब देखिए मैं जब एकदम नॉर्मल और सही टेक्निक के साथ करूँगा तब देखिएगा, ये देखिए देख रहे कितने आराम से बॉडी बढ़ते चली जा रही है। तो हमेशा टेक्निक पे वर्क करना है आपको, हमेशा सही टेक्निक पे आप लोग को वर्क करना है। जैसे मैंने दिखा दिया कि गलत टेक्निक से आप चाहे जितनी पावर लगा लें नहीं रिज़ल्ट मिलेगा, मिलेगा भी तो आप लोग को जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो एक्चुअल में वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, और आपको लगेगा कि हाँ यही है ये। लेकिन अगर उतनी पावर सही टेक्निक में लगाएंगे तो बहुत ही तेज़ी से आपकी बॉडी आगे जाएगी। तो हमेशा अपने किक को इस तरह ना करके पीछे पॉइंट करके और पानी को इसे प्रेस करते हुए आगे बढ़ना है। तो आई होप कि जिसका ये क्वेश्चन था कि सर फ्लोटिंग करते हैं आगे नहीं बढ़ पाते, तो इस चीज़ से आप लोग अपनी फ्लोटिंग बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे।